नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट। गाइस, स्क्रीन पे दिख रही इस तरीके की डायनामिक क्लॉक आप कैसे बना सकते हैं, वो भी नोट पैड की हेल्प से, बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज करते हो। चलिए बताता हूं मैं आपको। छोटी सी स्क्रिप्ट है, बैच स्क्रिप्ट का यूज करके हम बनाएंगे, काफी जगह काम आ जाती है क्लॉक। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा टास्क करें आपको सेकंड की, हर एक सेकंड की वैल्यू है, तो आप इस तरीके की डिजिटल क्लॉक आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको तो हम कर देते हैं क्लोज और नोट पैड हम अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉक है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो बैच स्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम यहां पे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इको ऑफ, ठीक है। इको ऑफ के बाद जस्ट हम यहां पे टाइम प्रिंट कर देंगे, इको लिखेंगे देन स्पेस देंगे और टाइम का वेरिएबल यहां पे यूज लेंगे जहां से हमें टाइम को उठाना है, ठीक है। ये यहां पे हमने अभी तक क्या काम किया, हमने टाइम को प्रिंट कर दिया है, लेकिन हमें टाइम को लगातार हर सेकंड चेंज भी करना है, वेरिएबल तरीके से चेंज करना है। अभी तो क्या करेगा, ये सिर्फ टाइम को प्रिंट कर देगा, तो उसके लिए हमें यहां पे लूप यूज लेना पड़ेगा। तो लूप यहां पे लगेंगे, तो हम यहाँ पे एक लूप फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे लूप में आपको जस्ट समझाने के लिए नाम दे रहा हूं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जस्ट ये एक लूप फंक्शन है। देन यहाँ पे क्लियर स्क्रीन हम कर देंगे, जिससे कि बार बार जब नेक्स्ट टाइम टाइम अपग्रेड हो तो पहले वाले टाइम को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद हमें एक टाइम आउट की जरूरत और पड़ेगी, यहाँ पे टाइम आउट फंक्शन का यूज लेंगे आप। टाइम आउट देन स्पेस स्लैश टी और स्पेस वन, यानी कि हर सेकंड यहां पे टाइम आउट होगा और टाइम आउट होने के बाद एक नया टाइम जनरेट होगा। देन हमें कहां पर जाना है, वापस से लूप पर जाना है। जस्ट इतनी सी इसकी स्क्रिप्ट है। तो यहां पर हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, इको टाइम हम प्रिंट कर रहे हैं, देन एक सेकंड बाद ही हम अपना टाइम आउट कर रहे हैं, वापस से लूप पे जा रहे हैं, जो पुराना टाइम है उसको क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं, देन वापस से नया टाइम यहां पे प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड के हिसाब से हमारे सिस्टम का टाइम तो चेंज हो ही रहा है। तो सिस्टम से हम टाइम उठा रहे हैं और जस्ट बड़ी स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं क्लॉक में, ठीक है। जस्ट आपको इस फाइल को सेव करना है। फाइल में गए, सेव एज किया, डेस्कटॉप पे इस फाइल को हम सेव कर देते हैं डायनामिक क्लॉक के नाम से। और आगे आपको BAT एक्सटेंशन यूज करना है। BAT एक्सटेंशन यूज करके आप इसको सेव कर देंगे, ये आपके पास BAT फाइल आ गई। आपको जब भी ये डायनामिक क्लॉक का यूज लेना है, डिजिटल डायनामिक क्लॉक का यूज लेना है, जस्ट इसको डबल क्लिक करके रन कर देंगे, यहाँ पे आपका जो टाइम है वो डायनामिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप कहेंगे ये तो मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है, तो मैंने जो आपको दिखाया था उसका फॉन्ट, इसका साइज बड़ा करके दिखाया था। आप इजिली कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ अपना स्क्रॉल व्हील अप साइड में मूव करेंगे तो आप इसको जस्ट इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी स्क्रीन से बाहर जाए तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रॉल बार का यूज करते हुए, और मैंने इसको इस तरीके से विंडो को एडजस्ट करके यहाँ पे लगा दिया, जिससे कि मैं दूर से भी इस टाइम को देख पाऊं। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं ये डायनामिक डिजिटल क्लॉक। वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।